लेकिन मेरे पिताजी कहते हैं कि मेरी बहू ऐसे दाल चावल तो और सब्जी तो उबाल के दे देगी अगर मूड सही नहीं हो तो, लेकिन उसको बुखार हो 105 डिग्री और आप उसको नॉनवेज लाकर दे दो तो वो खुशी से नाच नाच के बनाएगी और संसार में उतना टेस्टी स्वादिष्ट खाना आपको नहीं मिलेगा। तो कोई भी नॉनवेज बहुत ही अच्छा बनाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुकृति, आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। मुंबई में आज बहुत ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, कभी कभी बारिश आ रही है, कभी नहीं आ रही है, और जब नहीं आ रही है तो हालत बहुत ख़राब हो रही है क्योंकि इतना पसीना आ रहा है, इतनी गर्मी हो रही है, पूछिए मत। आज का व्लॉग बहुत खास है क्योंकि आज के व्लॉग में फर्स्ट टाइम आप लोग मेरी मम्मी से मिलेंगे। यस, आज मेरी मम्मी बिरयानी बना रही है तो मैंने सोचा क्यों ना शूट किया जाए। आज बस फैमिली व्लॉग है, कुकिंग व्लॉग है। अगर आपको बिरयानी की पूरी रेसिपी देखनी है तो पूरा व्लॉग अंत तक देखिए और देखते हैं कि कैसी बनी है बिरयानी। ऑब्वियसली मम्मी है तो बहुत अच्छा बनाती है। आज पहली बार वो बना रही है क्योंकि सावन खत्म हो चुका है, उससे पहले एक महीना हम लोग नॉनवेज नहीं खा सकते थे। यस, आज फाइनली नॉनवेज बनाया घर में। व्लॉग शुरू करते हैं गाइस। गरम मसाला, मिर्ची, धनिया पाउडर, घर के बनावल मसाला, चावल बनाते हैं। मसाला ब्राउन हो गया, भून गया मसाला, ये मसाला ब्राउनी हो गया, ब्राउनी मसाला। इसको पकने में लगेगा 1 घंटा। रोस्टेड है। ओके, तो खाना बन चुका है। ये है बिरयानी, ये मैंने ढक दिया था, ये चिपक गया। माता जी सही कर दो। तो मम्मी कहाँ से सीखी थी बिरयानी बनाना? मेरी एक सहेली है, वो मुस्लिम है, हिंदू, लेकिन वो मुस्लिम से शादी की है, तो
तो हम लोग वॉक करते थे तो ऐसी बातें होने लगी। उन्हें बोले भाभी हमको बिरयानी सिखाइए। तो बेचारी बहुत अच्छी थी, फिर वो आके बिरयानी हमको सिखाई एक बार, फिर हमने बनाने लगे। बस बिरयानी कैसा बनाती है? बेस्ट बिरयानी इन द वर्ल्ड। वैसे मैं बिरयानी ऐसा नहीं कि मैं पूरी दुनिया का बिरयानी खा के देखा हूँ, निकाल ले चारू। नो डाउट जो भी खाया है उसमें सबसे बढ़िया बिरयानी मेरी बीवी की। बहुत जित क्वांटिटी में भी बना सकते हैं आप। बोलो 50 लोगों की बिरयानी बनाए, 50 लोगों की बिरयानी बना सकते। मेरे पिताजी मेरी पत्नी के पाक कला के बारे में कहते हैं, क्योंकि मेरी पत्नी पाक कला में जो मांसाहार पकाने की कला है उसमें दक्ष है, बहुत अच्छा बनाती है। कि मेरी बहू ऐसे दाल चावल तो और सब्जी तो उबाल के दे देगी अगर मूड सही नहीं है तो, लेकिन उसको बुखार हो 105 डिग्री और आप उसको नॉनवेज लाकर दे दो तो वो खुशी से नाच नाच के बनाएगी और संसार में उतना टेस्टी स्वादिष्ट खाना आपको नहीं मिलेगा। तो कोई भी नॉनवेज बहुत ही अच्छा बनाती है। क्या बात, ये चाहे तो बिरयानी बनाने का होटल खोल के केवल बिरयानी इसकी इतनी बिके की मत पूछिए। ओवर एक्टिंग। खो मम्मी, खो ना, बाल बच्चा के खिया के तब खा लेना। भारती माँ है कि जब भी अच्छा खाना बनाएंगे तो सबके साथ खाना ये पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ये बैठ के खाने वालों के चेहरे का एक्सप्रेशन देखते हैं कि खाने वाले को मजा आ रहा है कि नहीं। उसके बाद जब सब लोग खा लेंगे तो ये खाएंगे इस आनंद के साथ कि मैंने जो बनाया लोगों बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, तब इनका खाना बहुत इनको भी अच्छा लगेगा। कसुर बेटी को डांस एक इंसान की आंख से होती हो सोनू नान की लॉन्ग एंड स्ट्रांग है रोबिन नया बनी की पूर्व बन उम्र में 2 साल हम छोट बने नया बड़ हो बहुत कोई देखेला बाहर तक पहले आपके हस्बैंड बड़ा है सब आ हमरा बूढ़ बना देवेली सब तब का करी। चल मम्मी बिरयानी नहीं कर लो। चल थैंक यू। नहीं थैंक यू। चल तो मैं रोज राइस खा लेता हूँ। तो मैं रोज खा लेता हूँ, उसके बराबर मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ। आज हम भी किए हैं, एक्सरसाइज करता हूँ कि मैं खा सकूँ। इस ब्लॉग में हम लोग कहीं कहीं भोजपुरी में बात कर रहे हैं, आई मीन मेजरली हम लोग भोजपुरी में बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग घर में भोजपुरी में ही बात करते हैं, क्योंकि भोजपुरी हमारा नेटिव लैंग्वेज है। हम लोग उत्तर प्रदेश के हैं और वहाँ पे जनरली वहाँ के जो स्मॉल टाउन्स हैं वहाँ पर भोजपुरी बोला जाता है। बहुत हिंदी के क्लोज होता है बट ऑब्वियसली हिंदी नहीं होता, ये अपना अलग लैंग्वेज है भोजपुरी। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आई होप कि आप लोग का दिन अच्छा जाए और आप ठीक हो, स्वस्थ हो, खुश हो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।